जीएसटी पर छत्तीसगढ़ और केंद्र में रार। सीएम भूपेश ने किए वार पर वार। 17 राज्यों को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। बीजेपी बोली न्याय संगत नहीं मांग। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों का एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल जून से देश भर में राज्यों को मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बंद होने जा रही है, जिससे राज्यों में राजस्व संकट और कर्ज का ओवरबर्डन पड़ेगा। ऐसे में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर की मुहिम छेड़ने का बीड़ा उठाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सीएम बघेल ने 17 राज्यों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि अगले 10 साल तक बरकरार रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जीएसटी का हिस्सा नहीं मिलने से राजस्व की कमी होती है, इसीलिए क्षतिपूर्ति की राशि को फिलहाल रोकना उचित नहीं है। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जो उत्पादक राज्य हैं और उत्पादन से यदि नुकसान होता है तो फिर उन राज्यों में फिर औद्योगिक गतिविधियों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस लॉबिंग को बीजेपी लेटर पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि टैक्स कलेक्शन से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में बढ़ोतरी की गई है, उसके बावजूद ये मांग न्याय संगत नहीं है। यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, कोरोना काल में भी हमको फर्क नहीं पड़ा, अन्य प्रदेशों से हमारी स्थिति मजबूत है, केंद्र से तुलना करते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी है। तो जब अच्छी स्थिति है तो किस बात के लिए पत्र लिख रहे हैं? देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जहाँ पर पहले 32% राशि दी जाती थी उसको बढ़ा करके 42% किया गया है, और उसके साथ में जो सहयोग करनी चाहिए लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन इस प्रकार के पत्र लिख करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? ये केवल आरोप लगाना और पत्र लिखना इस मुख्यमंत्री की नियति बन गई है, और इसी प्रकार से जीएसटी को लेकर के इन्होंने हाय तोबा मचा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा से लीड लेते रहे हैं। अब जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्यों को लामबंद करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि क्षतिपूर्ति बंद होने के बाद सभी राज्यों के सामने राजस्व की कमी और कर्ज के भार का बड़ा संकट केंद्र के सामने एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ भी दें तो करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिनके समर्थन से ये मांग केंद्र की नाक में दम कर सकती है, इसीलिए इस मुद्दे पर भूपेश बघेल आक्रामक नजर आ रहे हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। जीएसटी का जिन्न फिर से बाहर आ चुका है और जिस तरह से चीजें नजर आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आ रहे हैं और 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह बात सामने आ रही कि साझा आग्रह किया है कि किसी तरह से केंद्र पर दबाव डाला जाए और जुलाई 2022 को जो खत्म होने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 10 वर्षों तक जारी रखा जाए। बात सबसे बड़ी ये कि छत्तीसगढ़ एक तरफ जब कर्ज ले रहा है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि कर्ज के तले पूरा प्रदेश दबा जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये कह रही कि जीएसटी के बिहाफ में जो पैसे आने हैं, जो नहीं आएगी क्षतिपूर्ति, उसके बदले भी राज्य सरकार जो है वो कर्ज ले सकती है। कर्ज की इन आंकड़ों के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस जनता की कोई नहीं सुन रहा है जो लगातार पेट्रोल, डीजल और तमाम महंगाई की मार से लगातार अपने आप को झेल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ लखन चौधरी जी मौजूद है, आर्थिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले लखन जी के पास ही चलता हूं। लखन जी, जुलाई 2022 को जीएसटी क्षतिपूर्ति जो है वो केंद्र के द्वारा बंद कर दी जाएगी। कोविड का 2 साल निकला, बहुत दिक्कत हुई, पुराना पैसा भी अब तक नहीं मिला है। केंद्र का यह कहना है कि इसके बिहाफ में आप कर्ज ले लीजिए।
कर्ज कर्ज कर्ज, लेकिन कर्ज का जो पैसा है, जो कर्ज का कहीं ना कहीं ब्याज है, वो प्रदेश को ही पटाना है, दिक्कत नहीं होगी। और आर्थिक विश्लेषक के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं जुलाई 2022 को, अगर ये क्षतिपूर्ति पूरे प्रदेशों में बंद हो जाती है तो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यदि सरकार, केंद्र सरकार इसको यदि आगे नहीं बढ़ाती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक चिंता की बात होगी, बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि सरकार जो है कर्ज के बोझ से दबती जा रही है, लगातार जो है कर्ज बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने उठाया मुद्दा कि यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है तो ऊपर से अभी अब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं तो उस पर भी सरकार के ऊपर जो है दबाव बढ़ेगा कि उस पर जो है वेट और जीएसटी जो है कम करे। और यदि इन सब चीज़ों पर सरकार चुप रहेगी, अनदेखी करेगी तो जनता की जो रोष है, जनता का जो आक्रोश है, वो निश्चित रूप से सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये तो ठीक है कि एक तरफ केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि की जो समय सीमा है, डेडलाइन, उसको बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इसमें पिछले 5 साल में हमने देखा कि बहुत सारी जो स्थितियां पैदा हुई, प्रमुख रूप से जैसे कोविड का जो कार्यकाल था लगभग 2-2.5 साल का, उसमें निश्चित रूप से तमाम राज्य सरकारों की जो आमदनी है वो कम हुई है, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जो भूपेश बघेल जी ने जो कल मांग किया है कि 5,000 करोड़ का जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में उनको जो है नुकसान हो सकता है, या 5,000 करोड़ के आसपास की अनुमान जो है वो, उसकी क्षतिपूर्ति किस तरह से सरकार करेगी, ये बहुत देखने वाली बात होगी। और इसका बोझ कहीं राज्य की जनता पर न पड़े, जो आशंका आपने जताई है वो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, बैठकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, बार बार भूपेश बघेल जी चिट्ठी लिख रहे हैं, ठीक है, इसके पहले दिसंबर में भी इन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसका अभी तक केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। इस बार 17 राज्यों को लेकर साथ में गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार इस पर कोई सकारात्मक पहल हो। तो मैं तो चाहूंगा कि किसी भी हालत में राज्य की जनता पर इसका बोझ न पड़े और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका कोई एक सही समाधान निकालें। अमित जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया था, तब मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसका तीखा विरोध किया था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जीएसटी की क्षतिपूर्ति अगर नहीं मिलेगी, राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार हर हालत में आएगा, पुराना पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति आगे भी जारी रहे? मैं इस बात पे आपसे जवाब चाहता हूँ। आदित्य जी, पहले एक दो चीजें स्पष्ट कर दूं। वर्ष 2019-20-21 का जीएसटी का पैसा और क्षतिपूर्ति का पैसा मिल चुका है। और जो कर्ज लेने की बात आपने कही, बीच में जब कोरोना काल आया था तब केंद्र के पास उस कंपनसेशन फंड में जो राज्यों को देने के लिए बनाया गया है उसमें पैसा नहीं आया, इसीलिए उस समय केंद्र ने कहा था कि अगर आपको त्वरित तौर पर पैसे चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन राज्यों के आग्रह पर फिर केंद्र ने उसको भी मना कर दिया, केंद्र ने खुद व्यवस्था करके उसकी क्षतिपूर्ति का पैसा दे दिया। तो लंबित क्षतिपूर्ति बिल्कुल नहीं है, जिसका कांग्रेस बार बार आरोप लगाती थी, एक पॉइंट ये स्पष्ट हुआ। दूसरा, जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी के लिए वित्त मंत्रालय को अधिकार डायरेक्टली नहीं दिया गया, इसके लिए एक पारदर्शी सिस्टम बनाया गया, इसीलिए एक अलग संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। उस जीएसटी काउंसिल में न सिर्फ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, न सिर्फ राज्य सरकारों के, भाजपा शासित राज्यों के लोग, बल्कि विपक्ष में जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो अन्य राज्यों में जो अन्य पार्टियां हैं, उड़ीसा में अलग पार्टी है, उन सब राज्यों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर हुए। और उस जीएसटी काउंसिल में ही यह तय हुआ, जिसमें हर दल और हर राज्य के प्रतिनिधि थे, कि क्षतिपूर्ति केंद्र कितने साल देना चाहिए। सबने कहा 5 साल, ठीक है, वो 5 साल पूरे हो गए। अब 5 साल पूरे होने के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर क्षतिपूर्ति बंद हुई है, बल्कि पूरे देश में यह चीज है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य इस वक्त ज्यादा हैं। अगर केंद्र सरकार को कोई भेदभाव करना होता, जैसे यहां छत्तीसगढ़ में विधायक निधि आपने बढ़ा दी, कांग्रेस ने 2 करोड़ से 4 करोड़ कर दी, पता है हमारे 70 विधायक हैं, हमारे ही लोगों को जानी है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा भेदभाव नहीं करती। अगर वो क्षतिपूर्ति चालू लगती तो हमारे राज्यों को ही फायदा होता आदित्य जी, लेकिन हमारा नियम और कायदा पारदर्शी है और जीएसटी काउंसिल तय करती है जिसमें सब लोग हैं। अब राज्य को केंद्र से क्या मिला क्या नहीं मिला, यह एक बड़ी बहस का विषय 3 सालों में रहा है।
मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, प्रदेश की जनता को ये आंकड़े हैरान करेंगे। 2013 में जब यूपीए शासन था माननीय आदित्य जी, छत्तीसगढ़ को 20 से 22 हजार करोड़ रुपए साल का मिलता था। आज मुख्यमंत्री जी ने 2022 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें केंद्र से मिलने वाली राशि 44,573 करोड़ रुपए बताई गई है। 22,000 से कहां पहुंच गए सात साल में, 45,000 करोड़ तक। बस 10 सेकंड कंक्लूड हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को अलग से दिया है। जो राशि 32% थी उसको 42% कर दिया। ग्रांट 9% से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। यूपीए से अभी 178% पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो राज्य को केंद्र तो इतना दे रहा है जितना वो रख नहीं पाए, और क्षतिपूर्ति की राशि तो 3,000 करोड़ ही है, उसके बदले 15,000 करोड़ ज्यादा दे रहा है, उसकी क्यों नहीं बात करते? अमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय जो जीएसटी बिल का इंट्रोड्यूस हुआ था, ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसमें राज्यों को केवल 3 साल तक क्षतिपूर्ति देने का वादा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की सीमा 5 साल है, जो इस साल अब खत्म हो रही, तो फिर तकलीफ क्या है? आपने जब ड्राफ्ट तैयार किया तो आपने तो केवल 3 साल दिए थे, अभी की तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 5 साल दिए, तो क्या ये 5 साल भी कम है आपके लिए? देखिए, बात होती है अकाउंटेबिलिटी की। हमारी सरकार जब थी और ये जब ये बिल लाया जा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि लगातार उस पर तैयारियां भी थी और बहुत से उसमें इन्होंने प्रावधान को बदला भी है। एक और चीज आपको आप माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आदित्य जी, कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जिस 1 जुलाई 2017 को जब ये बिल लाया गया था, मिडनाइट के जो ये बिल लाया गया था, निश्चित तौर पे आप देखिए कि विश्व का ये पहला ऐसा बिल सरकार के द्वारा लाया गया था जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, जिसका कोई ड्राफ्ट तैयार तक नहीं हुआ था। और लगातार अगर आप देखेंगे तो आज तक 44 बैठक होने के बाद 300 से ज़्यादा बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। मतलब जो सरकार केंद्र में बैठी है, जैसा आपने अभी स्वतः ही कहा कि जब पूर्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे तो वो इसका विरोध करते थे, लेकिन ऐसी क्या विडंबना है कि जब वो पीएम बन गए हैं तो अब वो अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता की और व्यापारियों के दिल की बात नहीं करते। रही बात अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, हम बात करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र 17 राज्यों को लिखा है कि जो क्षतिपूर्ति की राशि को जो 1 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो फाइनेंशियल आएगा उसमें 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उसमें दर्शाया गया है, मतलब एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या ये भाजपा के नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास जो हमारी सरकार कर रही है, ये सरकार, भाजपा के लोग लगातार हमारी आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं पत्र लिखने में, जैसा ये कह रहे थे अभी कि आप पत्र लिखते हैं, साहब ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारे को अधिकार प्रदत्त है कि हम फेडरल सिस्टम के तहत केंद्र को वार्तालाप भी करें और हमारी जो समस्याएं। अब रही भाई हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बड़ी बड़ी तकरीर अभी कर रहे थे, तो साहब हमारा पैसा तो ये जीएसटी का देते ही नहीं है, लगातार कंपनसेशन क्या जो इन्होंने कहा था वो क्या प्रॉपर वे में इन्होंने दिया नहीं दिया, लगातार गैर भाजपाई शासन जहां पर है उसको कैसे प्रताड़ित किया जाए। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो भी बिल, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का हो, जीएसटी लाया क्यों गया था आदित्य जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, महंगाई पर लगाम लगाने, टैक्स चोरी पर लगाम लगाने, जीडीपी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा, चार चीजों के लिए लाया गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, लाने के तुरंत बाद 2018 में 6.8 जीडीपी हो गई, उसके बाद 17 में अगर आप देखेंगे 7.2 हो गई और 11 साल के निचले स्तर पर जीडीपी पहुंच गई। तो ये सोचने का विषय है कि आपकी जो गलत योजनाएं हैं उसके कारण देश और देश की जनता क्यों सफर करे। ऐसा होता क्यों है जब कांग्रेस सत्ता में रहती है या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है, जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती है, तो सुर क्यों बदल जाते हैं? वही नरेंद्र मोदी जो जीएसटी का विरोध करते थे, आज सत्ता पक्ष में तो जीएसटी बहुत अच्छा है। वही कांग्रेस जब अपने शासनकाल में कृषि सुधार कानून जब लाने वाली थी तब उसका समर्थन करती थी, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है तो उसका वो विरोध कर रही है। और दूसरा मेरा मसला यह है कि जब ये मालूम था कि आपके पास जुलाई 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति खत्म हो जाएगी, ये आज से नहीं, जिस दिन ये कानून बना था उस दिन से तय था, और कोई एक राज्य प्रभावित नहीं होंगे, जितने भी राज्य हैं देश में हमारे वो सभी प्रभावित होंगे, क्या हमने उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की? क्या हमने सोचा कि ये 5,000 करोड़ का अगर हमको नुकसान होने वाला है तो हम 5,000 करोड़ की अतिरिक्त आय कहीं से जनरेट करें? क्या इस विषय में सरकार ने सोचा अभी तक, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। देखिए, राजनीति करना, केंद्र में रहे तो विरोध करें और जब जो है सत्ता पक्ष में रहें तो उसका समर्थन करें, ये तो
केंद्र की सरकार भी देखिए आधार से लेकर तमाम जो मनमोहन सिंह सरकार की योजनाएं थी उसकी आलोचना नरेंद्र मोदी जी करते थे, और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया और ग्रहण किया तब उसके बाद से तमाम उन्हीं की योजनाओं को एक 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 करके लागू कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से। लेकिन देखिए अंतर दोनों में यह है कि इनका जो क्रियान्वयन है वो इस तरह से है कि उन योजनाओं में कांग्रेस की फजीहत होती थी, जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते थे, लेकिन उसका क्रियान्वयन इस ढंग से कर रही है भाजपा कि उसमें जो है वाहवाही मिल रही है लगातार, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है, वोट मिल रहा है और राज्यों में सरकारें बनती जा रही हैं। देखिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए जब ये तय था कि जून 2022 में समय सीमा खत्म हो जाएगी तो राज्य सरकारों ने क्यों जो है इसके लिए इंतजाम नहीं किया, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कल जब इस पर पत्र लिखा गया तो उसके बाद आज मैं दिन में दिल्ली के कई अखबारों की हेडिंग्स देख रहा था और उसको पढ़ रहा था, तो ये बात सामने आई थी निश्चित रूप से कि जो लीकेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो जीएसटी कलेक्शन करने वाली जो एजेंसियां होती हैं उनमें लीकेज की वजह से, और इस बात को मुख्य ताज्जुब की बात है कि भूपेश बघेल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कई सारे लीकेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन समय पर जो होना चाहिए और राज्य सरकार की जो आमदनी बढ़नी चाहिए वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है और दिक्कत हुई है। तो एक तो इसमें देखिए कि राज्य सरकार की भी थोड़ी सी कमियां हैं, कहना चाहिए कि एक तरह से प्रशासनिक क्रियान्वयन की कमियां जिसकी वजह से सरकार जो है बार बार पत्र लिख रही है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक जो उत्पादन है, जिस बात को इन्होंने उठाया था कि उत्पादक राज्य है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार उत्पादक राज्य है और उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अभी जो बजट पेश हुआ था 22-23 का, उस बजट में सबसे ज़्यादा जो स्टेट जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें 40% जो है औद्योगिक क्षेत्र से, उद्योगों से आना जो है बताया गया है, मतलब सेवा क्षेत्र से और कृषि से भी ज्यादा। और महत्वपूर्ण बात एक कि 7% का जो है डेफिसिट दिखाया गया है या एक ऐसी चीज दिखाई गई है, 7% जीडीपी में कमी दिखाई गई है जिसकी भरपाई करने के लिए भी शायद मुझे लगता है कि राज्य सरकार जीएसटी का जो 5,000 करोड़ के मामले को लेकर जो है चिंतित है। अमित जी, मुख्यमंत्री का ट्वीट था, मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए। ये 17 मुख्यमंत्रियों को लेकर साझा आग्रह, मतलब केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए अपनी पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करते हैं और चिट्ठी लिख करके अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। कभी केंद्र को लिखते हैं, कभी राज्यों को लिखते हैं, कभी राज्यपालों को लिखते हैं, अब बचा इतना है कि अन्य देशों को चिट्ठी न लिख दें हमारे मुख्यमंत्री। अब मैं एक प्रश्न आदित्य जी आपके सामने उठा रहा हूं, प्रदेश की जनता सुने इसको। दो विरोधाभासी चीजें, पहला इन्होंने कहा कि हमारे को 5,000 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है, हमारी आय नहीं होगी। अमित जी ने भी अभी ये बात की चिंता की। अब आप आंकड़ा सुनिए फिर से हैरान हो जाएंगे। पिछले साल का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, छत्तीसगढ़ की आय 35,000 करोड़ रुपए अपेक्षित की इन्होंने, और इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया, जब क्या होगा क्षतिपूर्ति बंद हो जाएगी तो 35 कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 5,000 करोड़ का नुकसान होगा तो। लेकिन बजट उठा के देखिएगा माननीय अमित जी, 44,500 करोड़ रुपए की आय आपने अपेक्षित की है। तो या तो आप बजट में झूठ बोल रहे हैं या आप चिट्ठी में झूठ बोल रहे हैं, आप कहां झूठ बोल रहे हैं बता दीजिए। अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्षतिपूर्ति बंद हो जाएगी तो उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी और निश्चित तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये वैकल्पिक व्यवस्था अगर पीएम नहीं करते हैं, केंद्र सरकार नहीं करती है, वित्त मंत्री नहीं करते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास? चूंकि कोविड का 2 साल निकल गया, बहुत अच्छी स्थिति राज्य की नहीं, राज्य को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। ये जीएसटी का भी 5,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता किसी भी राज्य के लिए जिसका बजट 1,00,000 करोड़ के आसपास है। वो 5,000 करोड़ की भरपाई करने के लिए क्या कोई दूसरा आपने कोई प्लान बना के रखा है? देखिए आदित्य जी, अल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट्स हैं, लगातार हमने जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि हम पत्र भी लिख रहे हैं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ आपने ठीक कहा कि प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, फिर वो चाहे पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो चाहे डेवलपमेंट के वर्क के लिए हो, कहीं ना कहीं 5,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट भी होता है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहाँ पर बैठे हुए हुक्मरान जब से वहाँ पर बैठे हैं, जिस प्रकार से आदरणीय लखन भैया ने भी कहा
कि पहले वो उसी योजना का विरोध करते थे, फिर चाहे वो आधार की आधार हो, पहले वो सब पे विरोध करते थे, बाद में वही कांग्रेस की योजनाओं को अपनाते हैं, चाहे वो मनरेगा हो। उसी प्रकार से लेकिन आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने 2018 में कहा था कि जो इंडिया का जीएसटी का जो स्लैब बनाया गया है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। 28% जो स्लैब रखा गया है, 115 कंट्री जहां पर ये लगा हुआ है। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने के लिए, जनता की जेब में डाका डालने के लिए, जनता के पॉकेट से पैसा निकालने के लिए जो ये गब्बर सिंह टैक्स को लाया गया है, मुझे ऐसा लगता है केंद्र की वो सरकार जो वहां पर बैठी हुई है वो हाईली कंफ्यूज है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड फर्स्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कंटिन्यू जी। तो देखिए, जिस प्रकार से हमारी जो सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, मुझे ऐसा लगता है फेडरल सिस्टम में हमें अधिकार प्रदत्त है भारत के संविधान में कि हम अपने राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, हम उनसे कन्वर्सेशन करें। और अगर हमारी कोई वेदना, हमारी कोई तकलीफ है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं आदित्य जी, ये बात है छत्तीसगढ़ की, उन 2,80,00,000 जनता की। और जब उनकी बात आएगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी। नहीं, तकलीफ क्या है? जीएसटी टैक्स खराब है, ये तकलीफ है कि क्षतिपूर्ति के लिए चिट्ठी आपने लिखी है किसी और कारण के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जीएसटी खराब है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, थोड़ा क्लियर करें। साहब, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपने हाईएस्ट, अरे आपने चिट्ठी कहा है कि लिखी है, आपने हाईएस्ट स्लैब लगाया है साहब, जनता को लूटने का काम में लिखा है क्या? अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा लगातार आप पहुंचा रहे, जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। चिट्ठी में तो कुछ और लिखी है, बात आप करते हैं, जनता की दिल की बात सुनिए लोगों की। जब से आपने रात के, सुनिए भाई, दूसरे विषय पर जाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं अमित जी? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए जी, बिल्कुल क्षतिपूर्ति हम चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर राज्य सरकार, सारे राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से बात करे, और केंद्र सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जहां गैर कांग्रेस भाजपा ही शासन है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए। क्षतिपूर्ति भाजपा राज्यों में मिल रही है? सुन लीजिए भाई, चिमनानी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करेगी कि आपको क्षतिपूर्ति बढ़ानी चाहिए? जीएसटी काउंसिल के पास ये निर्णय है, हर राज्य के प्रतिनिधि हैं, वो लोग तय करते हैं। अरे यहाँ जीएसटी के लेकर जो लगातार खींचतान मची हुई है, ये खींचतान फिलहाल थमेगी ये नजर नहीं आ रहा है, लगातार खींचतान जारी है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, पहले ये तय हो गया था कि जून 2022 में क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या राज्यों ने इसके लिए अपने अल्टरनेट साधन खोल के रखे थे या अल्टरनेट व्यवस्था अभी तक करके रखी थी? अगर नहीं किए तो निश्चित तौर पर चिंताजनक जरूर है, क्योंकि 5,000 करोड़ का सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ सकता है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।